सब्सक्राइब करें बालियन किचन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सावन की स्पेशल मिठाई घेवर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं मावे वाला घेवर बनाने वाली हूँ। तो घर में बिना किसी मोल्ड के बहुत ही आसान तरीके से घेवर कैसे बनाएं, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ और कुछ खास टिप्स भी बताने वाली हूँ जिससे हमारा जो घेवर है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो घेवर बनाने के लिए हमें मावे की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम मावा तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 लीटर फुल फैट दूध लिया है, इसको कढ़ाई में डाल के मैंने मावा निकलने के लिए रख दिया है। तो मावा निकाल लेंगे, वैसे तो काफ़ी टाइम लगता है मावा निकालने में। और ये देखिए, मैंने वीडियो को जो है बीच से कट कर दिया था और मावा मेरा जो है निकल के ये रेडी हो गया है। बस थोड़ी देर में ही बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसी समय मैं इसमें थोड़ा सा केसर वाला दूध डाल दूंगी, इससे जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मावे में जब हम इसको घेवर पे लगाएंगे। और इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, 2 छोटे चम्मच चीनी डाली है मैंने। थोड़ा सा ये मीठा अगर हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चीनी डाल के इसको थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि चीनी पानी छोड़ देगी। तो थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। वैसे आप मावा जो है पहले से निकाल के भी रख सकते हैं। और ये देखिए, मावा जो है हमारा रेडी हो गया है। हमें बस इसको इतना ही थिक करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। अभी जो है गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और मावे को ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं, यानी चाशनी, जिससे कि हम घेवर को मीठा करेंगे। तो ये एक पैन को मैंने कढ़ाई में एक पैन को रख दिया है मैंने गैस पर। उसमें 1 कप ये चीनी डाल दी है मैंने। मेजरिंग कप लिया है, आप कोई भी बाउल या कटोरी जो घर में यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। 1/2 कप इसमें पानी डाल दिया है, इसको पका लेंगे। और ये देखिए चीनी घुल गई है। अब इसमें हम 1 इलायची डाल देंगे, इससे जो है चाशनी का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और भी इसमें आप केसर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मावे में डाल दिया था तो वो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और चाशनी जो है अभी पक गई है, इसमें से मैंने इलायची को निकाल दिया है। और ये देखिए, हमें जो है पूरी 1 तार की चाशनी नहीं बनानी, उससे थोड़ी सी कम रखनी है। जब 1 तार की होने वाली हो तभी हमें गैस को बंद कर देना है। ये चिपचिपी सी रखनी है हमको, जैसे ही क्योंकि 1 तार की करते हैं तो वो जम जाती है। तो चाशनी हमारी रेडी हो गई है, अब इसको भी हम गैस से उतार के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब हम तैयार करते हैं घेवर का बैटर, जिससे हम घेवर बनाएंगे। तो सबसे पहले ये मैंने 3 चम्मच देसी घी लिया है, ये जो खाने वाली चम्मच होती है मैंने ये वही ली है। और इसमें ये आइस क्यूब डाल देंगे थोड़ी सी, 4 से 5 इसमें आइस क्यूब डाल देंगे। हमें जो है घी को फेंटना है। और घी को हम इस तरह आइस क्यूब के साथ फेंट लेंगे। हमें इसको बिल्कुल क्रीमी बनाना है। आप इसको हाथ से भी फेंट सकते हैं, वैसे हाथ से बहुत ही जल्दी फेंटा जाता है और बहुत ही स्मूथ बनता है हाथ से, और टाइम भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता। और ये देखिए, हमें बिल्कुल ये जो घी है इस तरह का करना है, बिल्कुल क्रीम की तरह का। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है, जैसे क्रीम होती है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा।
यहाँ देखो जो है थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे घी में, और ये बैटर को आप हाथ से भी बना सकते हैं या फिर किसी चम्मच से, चमचे से, किसी से भी आप बना सकते हैं। और इसी समय हम इसमें डाल देंगे घी, ये मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध, इसी समय हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है मैंने, इसको बिल्कुल ठंडा या गर्म नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रखना है। और मिक्स कर लेंगे दूध को मैदे में। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका हम स्मूथ सा एक बैटर तैयार कर लें और इसमें कोई लम्स ना रहे। और ये देखिए हमारा ये जो बैटर है इस तरह का मैंने घोल लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच बेसन डाल देंगे और इसमें सारी चीज़ें जो हैं एक साथ डाल के मिक्स नहीं करनी, एक के बाद एक डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इससे ये अच्छी तरह से हम बैटर को भी फेंट लेंगे और ये स्मूथ भी बनता जाएगा और थोड़ा फ्लफी भी हो जाएगा। और ये देखिए बेसन को भी मैंने मिक्स कर लिया है और अच्छा स्मूथ बैटर बन गया है। अभी हम इसको पतला करेंगे क्योंकि घेवर का जो बैटर है वो काफ़ी पतला होता है। उसके लिए मैंने ठंडा पानी लिया है, बिल्कुल ठंडा, फ्रिज से निकाल के, और इतना ठंडा कि जब बॉटल को आप जैसे फ्रिज से निकालें तो ये देखिए उस पर इस तरह का मॉइस्चर सा आ जाए। इतनी ठंडा पानी हमें इसमें यूज़ करना है। तो इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ जो है सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और गाइस घेवर बनाने के लिए 2 खास टिप्स हैं कि हमें पानी जो है बिल्कुल ठंडा लेना है और घी को बहुत ही स्मूथ फेंटना है ताकि उसका कलर भी एकदम वाइट हो जाए और वो क्रीम की तरह दिखने लगे। तो इसी तरह हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और इसमें थोड़ा पानी अभी मैं इसमें और ऐड करूंगी क्योंकि ये अभी गाढ़ा है बैटर। और ये हमारा घेवर का बैटर रेडी हो गया है। और ये देखिए हमें इस तरह का है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है बैटर की इस तरह से पॉरिंग कंसिस्टेंसी रखनी है ताकि ये एक धार में गिरे। और इसी समय हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस और इसको मिक्स कर लेंगे बैटर में अच्छी तरह से। और ये देखिए गाइस बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर घेवर बनाने में थोड़ा टाइम है तो इसको आप बाहर न रखें, बैटर को फ्रिज में रख दें क्योंकि बैटर जो है हमें बिल्कुल ठंडा करना है। और ये मैंने कढ़ाई में घी डाल के पहले ही गैस पे रख दिया था गाइस। और घी जो है हमें घी का लेवल जो है कढ़ाई में आधे तक रखना है, आधी कढ़ाई को हमें खाली रखना है क्योंकि इसमें जब बैटर डालेंगे तो वो उछलता है, ऊपर आ जाता है एकदम से। और थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और बीच में ऐसे एक धार बना के ऐसे डालते जाएंगे, एकदम से नहीं डालना, धार बना के डालना है ऊपर से। और जब ये थोड़ा सा ये जो बबल्स इस पे आ जाते हैं वो एकदम बैठ जाएं, बबल्स ख़त्म हो जाएं, उसके बाद चाकू से जो है बीच में थोड़ा सा इसमें जगह बना लेंगे ताकि और बैटर डालने की इसमें जगह हो। और फिर से इतना ही बैटर फिर से लेंगे और फिर से इसी तरह से धार बना के ऊपर से डालते जाएंगे।
और इसको सिकने देंगे। और गैस की फ्लेम जो है गाइस हमें हाई रखनी है, क्योंकि बैटर भी ठंडा है तो गैस की फ्लेम हमेशा हाई रखनी है जब तक घेवर बने। बिल्कुल भी इसको लो नहीं करना, लो या मीडियम नहीं करना है, हाई पे ही बनाना है घेवर को। और इसी तरह से बीच में जो है इसमें गैप बनाते जाएंगे, थोड़ी इसमें जगह बना लेंगे ताकि हम फिर से इसमें बैटर डाल सके। और एक बार फिर से हम डाल देंगे इसमें बैटर। और एक बार घेवर बनाने के लिए, एक पूरा घेवर बनाने के लिए हमें 4 से 5 बार बैटर डालना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डालेंगे तभी जाली अच्छी बनती है। एक साथ से ज़्यादा डालने पे वो बैठ जाता है तो उसमें जाली नहीं बनती। एक बार फिर से डाल देंगे बैटर। और सिकने देंगे अच्छी तरह से, गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। और गाइस एक बार घेवर सिकने में 15 से 20 मिनट, 25-30 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी कढ़ाई अगर बड़ी है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इससे बड़ा घेवर भी बनता है। मेरी ये बहुत बड़ी कढ़ाई नहीं है। और ये देखिए इस तरह से जब ये थोड़ा सा सिक जाए तो चाकू से हम साइड से इसको छुटा देंगे किनारे, ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाए, ऊपर भी तेल इसमें आ जाए। तेल या घी जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं उसमें आप बना सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से फिर जब सिक जाएगा तो हम इसको निकालेंगे। और ये देखिए गाइस मैंने जो वीडियो को थोड़ा ज़्यादा जूम कर दिया है ताकि ये आपको जाली जो है घेवर की अच्छी तरह से दिखे। और अब सिकने के बाद हम इस तरह से चाकू से इसको उठा के या चिमटे से उठा के प्लेट में निकाल लेंगे। और फिर से इसमें जो है हम बैटर डालते जाएंगे दूसरा घेवर बनाने के लिए। इसी तरह से सारे घेवर, मतलब जितना भी हमारे पास बैटर है उतना बना लेंगे। और जो बैटर मैंने तैयार किया है उससे यानी 3 घेवर बनाए हैं। इसी तरह से ये बाकी के जो बैटर बचा है उसका मैं घेवर बना लूँगी। और ये देखिए गाइस ये सारे घेवर, ये दूसरा घेवर है। और ये देखिए इसमें भी जाली कितनी अच्छी बनी है, आपको मैं दिखाती हूँ पास से, बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा। और ये देखिए गाइस मैंने 3 घेवर बनाए हैं इतने बैटर से। और यहाँ मैं आपको 2 करके दिखा रही हूँ, मैंने पहले से ही इसको जाली पे रखा हुआ था क्योंकि इसका एक्स्ट्रा जो घी है वो निकल जाए। और अभी हम इस पर चाशनी या शुगर सिरप वो डालेंगे, इसको मीठा करेंगे। तो ये 2 घेवर को मैंने रख लिया है और चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है, इस पर ठंडी चाशनी ही डालेंगे, नहीं तो घेवर जो है सॉफ्ट हो जाएगा और वो टूट जाएगा। और इस तरह से हम इस पर चाशनी डालते जाएंगे और नीचे भी जो एक्स्ट्रा इसमें से निकलेगी वो नीचे वाले घेवर पे चली जाएगी। तो इस तरह से हमारे दोनों घेवर जो हैं मीठे हो जाएंगे। तो चाशनी डाल देंगे सारे घेवर पे अच्छी तरह से, पूरे पे फैला देंगे। और गाइज एक बार आप ज़रूर मेरे तरीके से आप बना के देखिएगा, घेवर जो है बहुत ही टेस्टी बनता है, मार्केट से आप कभी भी नहीं लाएंगे एक बार आपने अगर इस तरह से घर पे बना लिया तो। और ये चाशनी मैंने डाल दी है, इसको ऐसे ही रख देंगे थोड़ी देर ताकि ये जो है इस पे से एक्स्ट्रा जो शुगर सिरप है वो नीचे आ जाए, जाली से छन के नीचे आ जाए।
और ये देखिए गाइस, उनमें से एक घेवर को मैंने इस तरह से प्लेट पे एक रख लिया है और इस पे अब हम खोआ लगा देंगे। ठंडा हो गया था खोआ, इसको अच्छी तरह से लगा देंगे। और मावे वाला घेवर जो है वो सभी को बहुत पसंद आता है। वैसे आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे प्लेन भी अच्छा लगता है, लेकिन मावे के बाद, मावा लगाने के बाद ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस तरह से मैं घेवर पे ये जो है मावा लगा दूंगी और इसको एक बार चम्मच से मैंने इसको दबा दिया था। और ऊपर से जो है इस पे थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं बादाम और पिस्ते डाल रही हूँ ताकि इसका जो टेस्ट है और भी बढ़ जाए और दिखने में भी अच्छा लगे। और एक बार गाइज इसको आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है। और इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, और ज़्यादा सुंदर लगे दिखने में भी और खाने में तो है ही टेस्टी, तो इस पर मैं चांदी का वर्क भी लगा रही हूँ गाइज। और ये देखिए घेवर जो है कितना अच्छा बना है हमारा, लग रहा है ना बिल्कुल जैसे कि हलवाई से लेके आते हैं। तो गाइज एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको घेवर की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।